92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज ये सहर कार्यक्रम मैं एक बहुत सुंदर दोहे से आरंभ करने वाला हूँ, जिसमें कितनी सुंदर बात कही है, हम अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं यदि हम इस बात को समझ लें। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा, अरे यार अपने चमचे को लेके आ गए हो। जी हाँ, ये जो चमचे साथ में होते हैं, कहते हैं कि वो लोग हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। आपकी तारीफ करते रहते हैं तो आपका दिमाग जो है खराब होता रहता है और आप अपने को बहुत ही उल्टा सीधा समझने लगते हैं कि जो हमारे में तो वो खूबियां हैं, देखो ये हमारी तारीफ करते रहते हैं और एक्चुअली वो चमचे होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक नेड़े रखिए, जी हाँ उसको नजदीक रखिए जो आपकी बुराइयां आपको बताता हो, जो आपकी कमियां आपको बताता हो, उसको नजदीक रखिए, चमचों को साथ मत रखिए। निंदक नेड़े रखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपके अंदर निर्मलता जो आएगी, सच्चाई जो आएगी, वो निंदक के माध्यम से ही आएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हो उनको जरूर नजदीक रखिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे स्थान पर जो हमारे लिए पूजनीय होता है। आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं आसाम लेके चल रहा हूँ, उमानंद देवलोई मंदिर। जी हाँ, कचारी घाट गुवाहाटी में ये उमानंद देवलोई मंदिर बहुत ही सुंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो पहाड़ है उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और उस पहाड़ का नाम है भस्मा कला, और इस मंदिर को राजा गदाधर ने स्वयं निर्माण कराया था। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे इसी पहाड़ के ऊपर। कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, शिव क्रोधित हो गए, अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए, इसलिए इस पहाड़ का नाम पड़ गया भस्म कला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर भयानंद के रूप में वहां रहते हैं। शिव चतुर्दशी यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है और ऐसा कहा जाता है कि यदि अमावस किसी सोमवार को पड़ जाए और उस दिन जो वहां जाके सोमवार को पूजा कर ले तो उसको तृप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद मिलता है। आपको जब भी समय मिले आप आसाम जाएं और ब्रह्मपुत्र नदी जो बहुत सुंदर नदी है उसके बीच में जो टापू है उसमें उस पहाड़ पर उस मंदिर का आनंद लें। ये मंदिर है उमानंद देवलोय मंदिर। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन और उस भजन की सुंदरता ध्यान से सुने, उसके अंदर देखें कितनी अच्छी भावनाएं हैं जो हमें स्वच्छ निर्मल और पावन बना सकती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है मंगलकारी, जप लो इसे सब नर नारी। ये मंत्र है मंगलकारी, जप लो इसे सब नर नारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सदा सुखकारी है, भक्त जन जिनके बलिहारी है, सब प्रेम से संसारी बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और इस भजन के बाद आपको मैं मिलाता हूँ एक बहुत अच्छी गायिका से जिन्होंने देश विदेश में बहुत बड़ा नाम किया है,
तृप्ति साकिया। जी हाँ, मैं अनूप जलोटा ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि मैं देश के चुने चुने अच्छे कलाकारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो आज के शहर कार्यक्रम के लिए समय दिया है बहुत ही लोकप्रिय गायिका हमारे देश की, तृप्ति साकिया। तृप्ति साकिया, अभी कोई शहर बचा नहीं होगा जहाँ इनके कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। इतने कार्यक्रम होते हैं, लोग इतने चाव से सुनते हैं, इनका एक भजन तो हम सब गुनगुनाते हैं, मैं भी अपने कार्यक्रम में कभी कभी गाता हूँ, कभी राम बन के कभी, सुना ही होगा आप सब लोगों ने, तो ये गाना जो है लोगों के दिलों में छाया हुआ है। तृप्ति जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। तो आपके परिवार में संगीत था या आप इस संगीत के क्षेत्र में आई हैं? नहीं नहीं, इस परिवार में नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नई हूँ अपने अच्छा। परिवार के लिए मेरे पूरे खानदान में कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है। कमाल है। और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही। बहुत अच्छा। जब से उन्हें लगा कि हाँ मेरी बेटी के अंदर सिंगिंग टैलेंट है, और मेरे फादर बेसिकली इंजीनियर हैं, और पापा के जो भी कलीग्स आते थे घर पे, जब वो मेरी आवाज या गाना सुनते थे तो वो उन्हें पापा को यही कहते थे कि आप अपनी बेटी को इसी लाइन में आगे बढ़ाएंगे ना, तो अच्छा। शायद हो सकता है आगे चल के आपका बहुत नाम रोशन करेगी। और मेरे फादर ने बिल्कुल भी किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं लगाया कि वो इंजीनियर खुद हैं, लेकिन मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल लाइन में जाना है। पढ़ाई को बहुत ज्यादा फोर्स ना करते हुए उन्होंने मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे उसी फील्ड में सपोर्ट किया। संगीत कहाँ सीखा फिर? मैंने इलाहाबाद से ही सीखा है, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से। मैंने 6 years का प्रभाकर का कोर्स किया शास्त्रीय गायन में, और इलाहाबाद के काफी गुणीजनों से भी सीखने का पर्सनली मौका मिला है। तो आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुना रही? मीराबाई जी की एक बहुत प्यारी सी रचना सुनाना चाहूंगी। जरूर गाएं, प्लीज गाएं। बाला में बेरागण हूंगी, बाला में बेरागण हूंगी, जिन भी सामारो ठाकुर रीझे, मारो गिरधर रीझे, जिन भी सामारो साहिब रीझे, सोही भेस धरूंगी धरूंगी। बाला में बेरागण हूंगी, बाला में बेरागण हूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तृप्ति जी क्या बात है, वाह वाह, धन्यवाद, आनंद आ गया, आनंद। और जी क्या सुर आपके लगते हैं और क्या उसमें भक्ति भावना आती है। तो बहुत खुशी हुई आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने भजन सुनाया, और भगवान से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी शोहरत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ कल सुबह भी, और मैं समय से आ जाऊंगा, आप अपना रेडियो ऑन करना न भूलिएगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।